कंग्रेचुलेशन, प्रोमो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। आपने देखे हमारे दोनों प्रोमो? यस सर, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोमो है। थैंक यू। तो क्या सो फॉर योर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन फैन से? बहुत अच्छी तरह से आप एक बार फिर से आ रहे हैं पंजाबी टुडे में। जी नहीं, मैंने आज तक इससे पहले पंजाबी कैरेक्टर का डैशिंग लग रहे आप मुझे ये कह रहे हो। थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है सारे फैंस से भी और मेरे फैमिली फ्रेंड से भी, बिकॉज जो भी शोज़ देख रहे हैं वो मोस्टली नॉर्थ बेल्ट के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ज़्यादा मुझे, बिकॉज वहाँ पर हमारी ऑडियंस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा फैंस हैं उधर, और अभी तक उन्होंने जो देखा है उनको स्टोरी समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो एग्जैक्टली है क्या? तो मैंने बस उनको पंजाबी में बोला कि मैं ठंड रखो, पता लग जाएगा। फर्स्टली जो मेरा रिएक्शन था वो ये था कि जब मेरे को मेरे डायरेक्टर ने स्टोरी बताई, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो उन्होंने स्टोरी बताई तो स्टोरी काफ़ी इंट्रीगिंग थी। मैंने ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कभी भी कोई ऐसे स्टोरी की नहीं है और ना ही उसका आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इट, मतलब उसका मैं कभी हिस्सा बना नहीं। तो जब मुझे पता लगा तो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग कि ऐसा कोई शो हो रहा है, और उससे एक्साइटेड बात ये थी कि पहली बार कोई लीड सरदार का रोल प्ले कर रहा है, तो इट वॉज आई टुक इमेंस प्राइड इन डोनिंग दैट कैरेक्टर, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सो आई ग्रैब्ड इट इमीडिएटली। मैं आई एम बॉर्न ब्रॉट अप पंजाबी। पगड़ी बांधना इतना मुश्किल नहीं है, बट उसको बांध के रखना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली यू नो क्या होता है कि शूट पे हम देर आर लॉन्ग आवर्स, और जो लोकेशंस हमारी होती हैं, वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो कभी कभी सूटेबल नहीं होती हैं, गर्मी इतनी है, और तो अभी हम अमृतसर गए थे तो वहाँ पर इतनी गर्मी थी, सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस समटाइम्स यू नो दे ट्रिगर दैट, तो उस टाइम पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अदरवाइज इट्स फाइन। वो तो अब आप देखोगे पता लगेगा आपको मैं इतने कितना रोमांटिक होता हूँ, कैसे बार बार मूछे ऊपर करूँगा, अब वो क्या करूँगा मैं ये, जब आप शो देखोगे तब पता लगेगा आपको। ओके, जैसे कि आपने कहा अमृतसर में भी शूट किया आपने, तो हाउ कैसा रहा एक्सपीरियंस थोड़ा अमृतसर? अमृतसर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द एक्सपीरियंस वॉज वेरी वंडरफुल। हम लोग काफ़ी हमने जगह पर शूट किया, जैसे कि वहाँ पर दो गुरुद्वारे हैं, हमने गुरुद्वारे में मोस्टली शूट किया टू गिव दैट ऑथेंटिक यू नो जोन टू इट, और उसके बाद हमने शूट किया एक मंदिर में जिसको बोलते हैं राम तीर्थ मंदिर। वो जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा मंदिर है, और उसका जो इतिहास है वो ये है कि वो वहाँ पर रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने वहाँ पर रामायण लिखी थी, सो इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड फीलिंग। मतलब ऑल इन ऑल हमारा शो हर जगह से ब्लेस्ड है बस। काफ़ी कुछ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ वेरी इंट्रीगिंग, वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, तो जब आप देखोगे तब आपको इसके इश्यूज के बारे में, अगर अभी मैं सारे इशू बता दूंगा मज़ा नहीं आएगा। ओके, आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, शो के रिलेटेड अपील कर दीजिए? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू वॉच आवर शो, इट्स कमिंग ऑन कलर्स फ्रॉम 1st July एट 7:30, सो प्लीज़ हुक्ड ऑन टू TV एंड डोंट स्विच इट ऑफ टिल 1 week एंड टिल 5 years, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दैट एंड गिविंग अस योर लव and showering us with that. Thank you so much and love.